जब भी कुछ चटपटा और फ्राइड खाने का मन हो तो बना लीजिए घर पे ही ये बहुत ही आसान सा नाश्ता, जो बहुत ही कम चीज़ों में बस 10 मिनट में जल्दी से बन जाते हैं। तो आइए बनाते हैं पनीर चीज़ ब्रेड पॉकेट्स, जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और इसकी स्टफिंग आप खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका चौरसिया और हैप्पी कुक बेक चैनल में आपका स्वागत है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें। शुरू करते हैं इसे बनाना। एक बाउल ले लिया है हमने, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, 3 से 4 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए टमाटर, 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे इसमें, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पनीर, जिसे हमने क्रम्बल कर लिया है, और 1/4 कप चीज़ डालेंगे। तो बस रेडी है स्टफिंग। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इस स्टफिंग को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। ये स्टफिंग बनाने के लिए बस हमें इसे इसी तरह मिक्स कर लेना है, इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक छोटे बाउल में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम 3 चम्मच तक पानी डालेंगे और इसकी एक स्लरी बना लेंगे। ज़्यादा पतली स्लरी नहीं बनाना है, बस इतना कि जिससे ब्रेड चिपक सके और जब वो तेल में फ्राई हो तब वो स्टफिंग बाहर ना आए। अब यहाँ मैंने 5 ब्रेड स्लाइसेस ले ली है, उसके किनारों को हम काट देंगे ताकि इसे बेलते वक्त हमें तकलीफ़ ना हो। इसे अच्छी तरह बेल लें और बिल्कुल पतला स्लाइस जैसा तैयार कर लें। जितना पतला आप बेल सके उतना पतला आप इसे बेल लें, याद रहे कि ये फटे ना। अब इसके साइड्स में हम ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी लगा देंगे और बीच में हम ये मिश्रण भर देंगे पनीर और चीज़ का, सेट कर देंगे अच्छी तरह और इसे हम बस इस तरह फोल्ड करके बिल्कुल पॉकेट की तरह तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लरी लगाने की वजह से ये अच्छी तरह चिपक जाते हैं और तेल में फ्राई होते टाइम बाहर नहीं निकलते। तो इसी तरह हम बाकी के सारे ब्रेड्स के साथ भी करेंगे और इसके पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। देखिए 5 पॉकेट्स तैयार है। तेल गरम करने रख दिया था मैंने, जैसे ही तेल गरम हो जाए आंच को मीडियम फ्लेम पे करके इसमें हम ये पॉकेट्स डाल देंगे। 1 से 2 पॉकेट्स हम साथ में फ्राई कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपने कितना तेल इसमें डाला है। और यकीन मानिए इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। लोग सोचते हैं ब्रेड को फ्राई किया तो ब्रेड पूरा तेल सोख लेता है, बट ऐसा नहीं है। इसे हमने बेल के फ्राई किया है तो ज़्यादा तेल नहीं सोखता है ये। बस इसे मीडियम फ्लेम पे हमें सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। और देखिए ये सुनहरा हो चुका है, पूरा तेल ड्रेन करके हमने इसे बाहर निकाल लिया है। और लीजिए रेडी है बस 10 मिनट में इंस्टेंट पनीर चीज़ ब्रेड पॉकेट्स। ये देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको अगर और चीज़ी फ्लेवर चाहिए हो तो पनीर और चीज़ की मात्रा सेम रखें ताकि ये और अच्छा लगे। है ना बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाला नाश्ता। बिना ज़्यादा सामान के आप इसे तुरंत बना सकते हैं, आपके पास बस ब्रेड होना चाहिए घर पे। बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर बना के देखें और इसे सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करें। ब्रेड और सारी सामग्री हो तो आज ही ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।